का सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस एक बार फिर खबरों में है। वैसे ये शो जब से खत्म हुआ है तब से ही स्वामी ओम ने सारी लाइमलाइट अपनी तरफ खींची हुई है। फिर चाहे वो अपनी हरकतों की वजह से खबरों में आए हो या बेतुके बयानबाजी के कारण, लेकिन इस बार खबरों की वजह स्वामी ओम नहीं बल्कि वो शख्स है जिसके सिर से अब भी बिग बॉस का नशा नहीं उतर रहा है। हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम रोहन मेहरा की, जिन्होंने हाल ही में शो को लेकर काफी सनसनी भरे खुलासे किए हैं। ये मामला काफी चौंकाने वाला है। हाल ही में रोहन ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की जिसे देखकर आप वाकई चौंक जाएंगे। दरअसल बिग बॉस 10 से जुड़े एक फैन ने वोटिंग को लेकर वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट रोहन के लिए वोट नहीं कर पा रहा है। इस वीडियो को रोहन ने अपने अकाउंट पर 14 फरवरी को पोस्ट भी किया। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो जो शख्स रोहन के लिए वोट कर रहा है तो उसे कैन नॉट वोट का मैसेज आ रहा था। वहीं वाणी के लिए वोट करने पर मैसेज आया थैंक यू फॉर योर वोट। इस वीडियो को देखकर ये बात सामने आ रही है कि कितने कोशिशों के बाद भी रोहन को वोट नहीं किया जा पा रहा, जबकि वाणी के लिए वोट देना काफी आसान है। इस वीडियो को रोहन ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इसी के साथ ही बिग बॉस का एपिसोड यहीं खत्म होता है। बता दें कि रोहन मेहरा को शो का एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना जाता है। उनकी पॉपुलैरिटी के चलते उन्हें टॉप 5 में भी जगह मिली थी। इतना ही नहीं, एक ही स्टेज पर बानी और रोहन दोनों नॉमिनेट हुए थे। दोनों की पॉपुलैरिटी लगभग एक समान है, लेकिन इस रेस में हर बार बानी ही रोहन से आगे निकल जाती थी, जिसके पीछे की वजह अब फाइनली रोहन मेहरा सबके सामने लेकर आए हैं। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।